क्या लड़की सच्चा प्यार कर रही है, इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड है और क्या आपसे वो सच्चा प्यार कर रही है, क्या आपके साथ में वो सच्ची वफादार है, क्या आप उसके साथ में आगे बढ़ सकते हो रिलेशनशिप में, वो क्या आप शादी के बारे में सोच सकते हो, कि वो आपके साथ में सिर्फ नाटक कर रही है प्यार का और कोई लड़कों को वो घुमा रही है, आपसे कनेक्ट नहीं हो रही है, बता रही कि कनेक्ट हो रही है। तो ऐसी बातें जानना ज़रूरी है। और कुछ सटल साइंस है, येलो अलर्ट्स है, और वो येलो अलर्ट्स आप पकड़ते हैं तो डेफिनेटली, मतलब वो जो एक चेतावनी है या कुछ सूचना है, सावधानी बरतना चाहिए, वो आपको बता रहा हूँ। एक तो है कि एक वो जो लड़की है वो आपको समझती है कि नहीं है, तो ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप कितना समय उसको दे सकते हैं, आप कितना बिजी है, आपके पीछे कौन सा काम है, कितनी जिम्मेदारियाँ हैं, वो समझती कि नहीं समझती है, या फिर कभी भी पैसा मांगना, मेरे ऊपर पैसा खर्चा करो, होटल में लेके चलो, घुमाने लेके चलो, या फिर आपके बारे में पूछती कि आपके पास में मकान है क्या, आपका कौन सी सर्विस है, कौन सा ऑफिस है, मतलब वो ऐसा टटोल रही है कि आप कितना फाइनेंशियली साउंड है, मतलब उसके बारे में चर्चा करना और कितना फ़ायदा ले सकती है वो सोचना। तो यदि वो कर रही है, समझ आना कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, ये प्यार नहीं है, ड्रामा चालू है। नंबर दो, वो खुद के रूल चला रही है क्या। खुद के रूल चलाना इसका मतलब कि नहीं भाई, मेरे को 6 के पहले फ़ोन नहीं करना है, या 6 के बाद फ़ोन नहीं करना है, या मेरी पर्सनल स्पेस उसमें नहीं आने का, या मेरा फ़ोन नहीं कभी देखने का, या मतलब ऐसे अपने अपने रूल्स है कि मेरे पर्सनल स्पेस में नहीं आना है, या मेरा बॉयफ्रेंड रह सकता है, मैं उसके साथ में बातचीत कर सकती हूँ, मेरा फ्रेंड है, मतलब ऐसा कि वो अपने रूल चलाती है और अपने रूल्स डिक्टेट करती है आपको। तो मैं जब फ़ोन करूँगी तो आपने उठाना ही चाहिए, मगर आप फ़ोन करोगे तो मैं उठाऊँगी नहीं क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ, ऐसे कुछ तो भी अपने टर्म्स कंडीशंस बताना, तो वो जो है वो गड़बड़ वाला कार्यक्रम हो सकता है। बार बार ब्लेम करती है, मैं तुमको छोड़ दूंगी, तुम ये ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, देखो तुमने मेरी मानी नहीं तो फिर देखो मैं बुरा असर हो जाएगा इसका, या बुरा इफेक्ट हो जाएगा, ऐसे बार बार धमकी देना। जैसा कोई एम्प्लॉय आपके पास में है और वो बोल रहा है कि भाई मैं छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, या ऐसे वो बता रहा है अपने बिहेवियर से, या कभी बोलता है कि मेरा तो राजीनामा लेटर, मतलब रेजिग्नेशन लेटर मेरे खिसे में ही है, तो ऐसा समझ जाना कि कभी भी छोड़ सकता है। जब वो बोल रहा है कि रेजिग्नेशन लेटर मेरे खिसे में है, वैसा लड़की थी बोल रही है कि मैं तुमको छोड़ सकती हूँ, वो तो तुम ऐसे कर रहे हो, ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम ये सुधरो, मतलब पहले से ही ऐसे धौस धमकी थ्रेट दे रही है और छोड़ दूंगी ऐसा बीच बीच में उसके बोलने में आ रहा है। नंबर 4, क्रिटिसाइज करती है आपको, नीचा दिखाती है कि डी वैल्यू करती है, मतलब तुम कैसे निपत्तर हो, तुमको कोई अकल नहीं है, तुमको समझता नहीं है, मेरे को ज़्यादा समझता है, मेरी मानो मैं राइट हूँ, ऐसा नीचा बताना और हरदम ऐसा डोमिनेट करना। तो वो भी यदि करती है तो वो गड़बड़ वाला कार्यक्रम हो सकता है, क्योंकि वो बार 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 वो यदि करती है, समझ जाना कि वो सच्चा प्यार करती नहीं है। क्योंकि प्यार में क्या होता है, प्यार में अनकंडीशनल होता है, लव होता है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं रहती है, उसमें कोई ब्लेम नहीं है, नीचा दिखाना नहीं है। 5वां जो प्रॉब्लम है, पॉइंट है, वह है कंपेयर करना। वो यदि लड़की आपको आपके बॉयफ्रेंड के साथ में कंपेयर करती है, एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में कंपेयर करती है कि भाई वो तो ऐसा था आप तो ऐसे हो, या मेरा भाई ऐसा है, तुम भाई जैसा, मतलब तुम ऐसा स्मार्ट नहीं दिखते हो, तुम ऐसा अच्छा नहीं रहते हो, ऐसा कोई भी किसी के साथ में, या कोई एक्टर जैसे उसके साथ में कंपेयर कर लेना, कोई भी और दूसरा लड़का कोई दिख रहा है उसके साथ में कंपेयर करना, तो वो कंपेरिजन जो है वो गलत साबित बात में हो सकता है, मतलब वो आपको चाहती नहीं है और आप जैसे हैं वैसे उसको पसंद नहीं है, क्योंकि भाई वो अच्छा है तुम अच्छे नहीं हो, तो बार 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 ये बोलना कि वो अच्छा है तुम अच्छे नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आगे आ सकता है। क्या है कि प्यार जो है सच्चा प्यार वो कैसा है, वो ऐसा है कि प्यार इसको बोलते हैं कि अनकंडीशनल लव। किसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव, मीन्स एक्सेप्टिंग द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट, आप जैसे हो वैसे हो और जैसे नहीं हो वैसे नहीं हो, उसका मैं स्वीकार करती हूँ, उसको बोलते हैं सच्चा लव, सच्चा प्यार। प्यार कभी कंडीशनल होता नहीं है, जो अनकंडीशनल होता है उसको ही प्यार बोलते हैं। और यदि वो कंडीशंस डालती है, क्रिटिसाइज करती है, कंपेयर करती है, नीचा बताती है, ब्लेम करती है, गुस्सा करती है, मेरा कुछ अलग है ऐसा बोलती रहती है, डिमांडिंग है, तो बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सच्चा प्यार है कि नहीं, आपको पहचानना होगा और यह साइंस आपको दिखती है, पहले सतर्क होकर पहले से दूर होना अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन
वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।